ज्योतिषाचार्य की माने तो सावन का पहला प्रदोष व्रत 15 जुलाई को है। इस दिन शनिवार भी है, यानी इस दिन को सावन शिवरात्रि भी कहते हैं। ऐसे में पूजा और व्रत रखकर भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ मिल सकती है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि सावन शिवरात्रि में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल के हर महीने में प्रदोष का व्रत पड़ता है। अगर आप भी व्रत रख रहे हैं या नहीं भी रख रहे हैं तो भी शिवलिंग पर कुछ चीजें चढ़ाना बेहद ही शुभ माना जाता है। हर महीने में दो प्रदोष व्रत होते हैं, जिसमें एक शुक्ल पक्ष तो दूसरा कृष्ण पक्ष में होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो भी व्यक्ति सच्चे मन से प्रदोष का व्रत रखता है, भगवान शंकर उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वहीं इस बार सावन का पहला प्रदोष व्रत 15 जुलाई को है। ये प्रदोष व्रत खास है क्योंकि इस दिन शनिवार भी है। ज्योतिषाचार्य की माने तो सावन का पहला प्रदोष 15 जुलाई को है। ये सावन का पहला प्रदोष व्रत होगा, इस वजह से इस दिन पूजा और व्रत रखकर भगवान शिव और शनिदेव दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त हो सकती है। इस दिन शिवलिंग की पूजा करते समय शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या चढ़ाए। तो आपको बता दें, गाय का कच्चा दूध, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, गंगा जल, पवित्र जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, मोली, जनेऊ, पंच मिष्ठान, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम मंजरी, जौ की बालें, पुष्प, पंचफल, रत्न, सोना चांदी, दक्षिणा, कुशासन, मंदान पुष्प, गन्ने का रस, चंदन, शिवजी और माँ पार्वती की श्रृंगार की सामग्री। इसके अलावा आपको बता दें कि सावन शिवरात्रि पर शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। अपवित्र जल ना चढ़ाएं, उबला हुआ दूध भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते समय तांबे के लोटे का इस्तेमाल ना करें, अर्थात तांबे के लोटे से दूध ना चढ़ाएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।